मुलायम सिंह की हालत बिगड़ी। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है मुलायम, नेताजी की सेहत में सुधार नहीं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को और बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है और जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है। विशेषज्ञ वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुलायम सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखा गया है। उन्हें लगातार जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। बता दें, 82 वर्षीय सपा नेता मुलायम सिंह बीते अगस्त महीने से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनका यहां लंबे समय से इलाज चल रहा है। पिछले रविवार वो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। मुलायम सिंह वर्तमान में मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद हैं। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। वो 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया था। फेफड़ों के संक्रमण के चलते उनके गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था। मालती देवी अखिलेश यादव की माँ थी। इस वक्त आ रही है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। पहले ही उनकी तबीयत खराब थी। गुरुग्राम के मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति में जिस तरीके से बताया जा रहा था नाजुक बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हो रहा। अब बड़ी और दुखद खबर यह कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। तो बड़ी दुखद खबर ये आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां पर वो सीसीयू में, उससे पहले आईसीयू में एडमिट थे। जो डॉक्टर की टीम थी वो नजर उन पर बनाई हुई थी, लेकिन आज सुबह बताया जा रहा है उन्होंने आखिरी अंतिम सांस ली। 22 अगस्त से मेदांता में वो भर्ती थे। 2 अक्टूबर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे मुलायम सिंह यादव। उनका अब निधन हो गया है। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, बेहद ही दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। हालांकि दुआओं का दौर चल रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन रिपोर्ट्स जो थी वो बता रही थी कि स्थिति बेहद गंभीर थी उनकी। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही दुखद खबर। देखिए अर्पिता, एक बड़ी ही दुखद खबर जो कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के निधन की है। 8:15 सुबह उन्होंने मेदांता अस्पताल के अंदर अंतिम सांस जो है वो ली है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पूरी तरह से डिक्लेयर किया गया है कि नेताजी जो है वो अब बीच में नहीं रहे। पिछले लंबे वक्त से वो अपनी कई तरीके की परेशानियां, जो बीमारियां थी, उनसे जूझ रहे थे। 22 अगस्त से वो उनको मेदांता अस्पताल में लाया गया था, उनको एडमिट किया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर को उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जो है वो रखा गया था। तब से लगातार उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी। आज सुबह जो है वो लगभग 8:15 के आसपास उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली है। एक बड़ी दुखद खबर अगर कहा जाए तो लगातार 5 बार वो सांसद रहे। 1967 के अंदर अगर कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव पहली बार जो है वो विधायक चुने गए, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री रहे, साथ ही डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। एक बड़ी पारी जो है उन्होंने खेली है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा अगर कहा जाए, पूरा सुप्रीमो के तौर पर उनको देखा जाए, वो देखा जाता था समाजवादी पार्टी में, और उनका अब निधन जो है वो हो चुका है। एक शोक की लहर जो है वो पूरी उत्तर प्रदेश में जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके पार्टी के बीच में, उनके परिवार के बीच में। परिवार के कई सारे लोग जो है वो देर रात से ही अस्पताल के अंदर पहुंच चुके थे। अभी भी कई सारे परिवार के लोग जो है वो मेदांता अस्पताल के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ये गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगा कि वो दिखाएं कि मेदांता अस्पताल के अंदर सुबह तकरीबन 8:15 के आसपास जो है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो है वो अंतिम सांस जो है ली है। बड़ी खबर, एक दुखद खबर, एक शोक की लहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा रहा था। और उस बीच में भी अगर कहा जाए तो अभी भी वो मैनपुरी से सांसद जो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लगातार वो मैनपुरी और इसके अलावा आजमगढ़, कई संसदीय क्षेत्र से जो है वो सांसद चुने गए। और उसके बाद उन्होंने एक लंबी पारी जो है वो लोकसभा के अंदर भी जो है वो निभाई है, और लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस जो है वो अर्पिता ली है।